हेलो गाइज, वेलकम टू यूनिक इलेक्ट्रिकल। पहला वीडियो और दूसरा पार्ट वन पार्ट टू में हम लोग इंट्रोडक्शन का बात किए थे, पार्ट थ्री में हम ट्रामवे की बात किए थे, और पार्ट अभी जो वीडियो आ रहा पार्ट फोर उसमें हम ट्रॉली बसेस पर। आप जैसा के अनुसार आप पिक्चर देख रहे हैं वो मेरा ट्रॉली बस है। जब हम ट्रामवे की बात कर रहे थे तो ट्रामवे में मेरा एक ओवरहेड कंडक्टर रहता था और एक से यहाँ पर सप्लाई जाता था। लेकिन जब यहाँ पर ट्रॉली बस की बात करेंगे तो ट्रॉली बस में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है यहाँ पर दो ओवरहेड कंडक्टर है, दो सप्लाई जाता है, क्योंकि यहाँ जो रहता है रिटर्न कंडक्टर इसी रिटर्न जो पाथ देगा वो यहीं से रिटर्न पाथ प्रोवाइड करेगा, ठीक है। लेकिन उसमें ट्रामवे में क्या होता था, ये यहाँ से ट्रैक से रिटर्न पाथ देता था। लेकिन यहाँ पर क्या है, पहिया है जो यहाँ पर चक्का है वो क्या है, टायर्ड है। तो ये चक्का और इसके बीच जो रहेगा यहाँ पर जो आप लोग देख रहे हैं फिगर में, ये दोनों के बीच क्या है, मेरे पास रोड है और ये दोनों के मैंने रोड के जो बीच रहता है उसके मैंने जो कहता है इसके बीच जो रहता है इंसुलेशन, इसका इंसुलेशन जो रहता है बहुत हाई रहता है। और इसको जो रहता है मेरा इंसुलेशन को हम बार बार इसको क्या करते हैं, चेक भी करते हैं कि क्या क्या इसका हो जाता है, इसको इस अनुसार से भी इसको देखते हैं। जैसा कि देख रहे हैं इसमें मेन दो चीज़ दिमाग में एक चीज़ बात रखना है कि अभी हम देख रहे थे इसमें क्या देखें कि मेरे पास क्या है, दो मेरे पास क्या है ओवरहेड कंडक्टर कितना है, दो है, और दोनों से मेरा कॉन्टैक्ट जो मेरा आ जाता है कॉन्टैक्ट, ये दोनों है वो मेरा क्या हुआ, जुटा हुआ है। मोस्ट और बस इंपॉर्टेंट ये देखना है, जैसे कि मेरा ट्रामवे जो होता था वो 600 वोल्ट डीसी पर ऑपरेट करता था, लेकिन उसमें सिंगल ओवरहेड रहता था, एक पॉजिटिव सिंगल और रिटर्न के लिए थी ट्रेन ही रहता था, रेल जो पटरी रहता था वो रहता था। लेकिन इसमें अगर हम बात करें तो इसमें भी 600 वोल्ट रहेगा, लेकिन इसमें दो कंडक्टर, एक एक लेने के लिए और एक एक रिटर्न पाथ के लिए। अभी आइए हम लोग देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। जब हम देख रहे थे उसमें देख रहे थे हम ट्रॉली पर बलम बात कर रहे थे थी में ट्रामवे सॉरी ट्रामवे में तो ट्रामवे में ट्रामवे और ट्रॉली बस के ट्रॉली बस का यूज क्यों आया है, क्योंकि जब ट्रॉली बस का मेरा यूज आया वो ट्रामवे का एक ड्रॉबैक रहता था कि वो जो कंजेस्टेड एरिया रहता था वहाँ पर ही उसका जो मूवमेंट होता था वो ठीक से नहीं हो पाता था जिस मैंने कि, लेकिन ट्रॉली बस में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, इसका मूवमेंट जो होता है कंजस्टेड एरिया में भी आसानी से क्या होता हो जाता है, क्योंकि हम ट्रामवे में अगर बात किया जाए तो ट्रामवे में हम क्या रहता था, रेल रख देंगे नीचे में इसे पटरी देते थे और पटरी जहाँ जा रहेगा उसी पर मूवमेंट होगा। लेकिन इसमें जो रहेगा ट्रॉली बसेस में इसमें पटरी का क्या है, नीर नहीं है। जब पटरी का नीर नहीं है तो ऊपर का सिर्फ इसी का नीर इस जो सप्लाई हम लोग देखते होंगे कि हमारे घर के आसपास जाते रहता है वही सिर्फ दे दिए, वही दे दें तो कहीं भी जा सकता है कंजस्टेड या कहीं भी हो। जब ट्रॉली बस चलता है जैसे कि सपोज करते हैं मानते हैं कि जैसे कि मेरा जैसे मेरा कि ये ट्रॉली बस है, जब ये ट्रॉली बस चलता है तो उसके आसपास का जितना भी क्षेत्र है यानी कि आसपास का जितना भी क्षेत्र है ठीक है वहाँ पर इंसान मूवमेंट कर सकता है या फिर कुछ भी तरह का मूवमेंट हो सकता है। लेकिन जब वही अगर ट्रामवे चलता है तो उसमें पटरी पर चलता है, अब जब पटरी पर चलेगा यहाँ से हटेगा ट्रेन तो इस पर कोई इंसान कोई भी गरीब उड़ी को भी मूवमेंट नहीं कर सकता है। लेकिन जो मेरा रहता है किस में ट्रामवे में रहता है उसमें आराम से मूवमेंट होता है, इसमें भी मूवमेंट कर सकता है लेकिन जनरली ऐसा देखा नहीं जाता है, इसमें एकदम बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ट्रेन की तरह भाव दिखाता है। ये तो मेरा बस है इसलिए इसका ज़्यादा मेरा पास अब यूज होने लगा है। जैसा कि हम लोग बता दिए कि इसमें जो होता है मेरा टू ओवरहेड कॉन्टैक्ट वायर रहता है, टू कनेक्टर से जुड़ा रहता है, और इसमें जो होता है कि एडहेशन का प्रॉब्लम, एडहेशन जो रहता है हाई रहेगा, एडहेशन बिटवीन रबर टायर व्हीकल एंड रोड के बीच जो रहता है क्या हाई रहता है इसलिए इसमें होता है कि सिंगल ड्राइविंग एक्सिल होता है। लेकिन अगर हम ट्रामवे बात किए तो ट्रामवे में हम बात किए कि दो ड्राइविंग एक्सिल रहता है, लेकिन इसमें रहता है सिंगल ड्राइविंग। जब सिंगल ड्राइविंग एक्सिल हो तो इसमें सिंगल मोटर से ही क्या होता है आसानी से कंट्रोल हो जाता है। लेकिन ट्रामवे में जो होता है कि दो से अधिक ड्राइविंग एक्सल दिए थे, उसके लिए जो हम मोटर का उपयोग किए थे उसमें मोटर को सीरीज पैरेलल कनेक्ट कर किए थे, और इसमें जो मेरा मोटर का उपयोग होगा वो डीसी कंपाउंड मोटर का उपयोग होगा, डीसी कंपाउंड मोटर का उपयोग होता है इसको इसमें किसमें तो ट्रामवे नहीं ट्रॉली बसेस में। और इसमें स्पीड कंट्रोल का बात किया तो स्पीड कंट्रोल फील्ड बिकनिंग मेथड से होता है। अब जो फील्ड बिकनिंग होता है मेरा क्या है डीसी कंपाउंड है, डीसी कंपाउंड में मेरा संट और सीरीज दोनों रहता है, तो हम क्या कर सकते हैं एक हम संट रेसिस्टेंस में एक एक्स्ट्रा रेसिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं या फिर सीरीज रेसिस्टेंस में टैपिंग कर सकते हैं या सीरीज रेसिस्टेंस में हम क्या कर सकते हैं ड्राइवर
ड्राइवर के द्वारा भी डाइवर्टर का यूज करके क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। अगर हम बात किया जैसे कि अगर हमको फ्री हैंड कराना है, मतलब कोई भी अगर हम काम करवाना जो फ्री हैंड रहना चाहिए, तो उसके लिए एक और कंट्रोलर इसमें यूज होता है ट्रॉली बसेस में, जिसको हम कहते हैं फुट ऑपरेटेड कंट्रोल। फुट ऑपरेटेड कंट्रोल करने का मतलब क्या है, फुट मतलब क्या होता है, पैर होता है, यानी कि पैर में ब्रेक रहेगा, पैर में स्पीड कंट्रोल होता है, इस प्रकार से वो क्या करते हैं कंट्रोल करते हैं। इसमें जो होता है कि मेरा जो ट्रॉली बसेस होता है उसमें रीजेनरेटिव ब्रेकिंग का क्या होता है, जनरली यूज नहीं होता है, रीजेनरेटिव ब्रेकिंग का यूज ही नहीं होता है। रीजेनरेटिव ब्रेकिंग का जनरली क्या होता है यूज नहीं, इसमें जो ब्रेकिंग का यूज होगा वो मेनली जो ब्रेकिंग यूज होता है वो मेरा रियोस्टेटिव ब्रेकिंग, प्लेन रियोस्टेटिव ब्रेकिंग यूज होता है। लेकिन अगर रीजेनरेटिव ब्रेकिंग थोड़ा थोड़ा कभी भी बाई चांस अगर यूज हो गया, तो जनरली तो होता ही नहीं है, अगर बाई चांस यूज होता है तो एक क्या है कि वन पैडल कंट्रोल स्टार्टिंग स्पीड कंट्रोल रीजेनरेटिव ब्रेकिंग, एक पैडल कंट्रोल रखेगा। अगर वहीं पर अगर हमको क्या करना है रियो स्टेट ब्रेकिंग, उसमें क्या हमको दो गो पैडल की जरूरत पड़ता है, सेकेंड पैडल स्टील के लिए, और इसमें दो मैंने कहने मतलब रीजेनरेटिव ब्रेकिंग के लिए अगर हम स्पीड कंट्रोल तो वन एक पैडल कंट्रोल का, अगर हम रियो स्टेट करेंगे तो दो पैडल कंट्रोल का। इसमें इसमें बात आता है कि सॉरी थोड़ा गलत हो गया, इसमें मतलब कहने का मतलब क्या रहता है कि एक मेरा जो पैडल कंट्रोल रहता है, दो पैडल कंट्रोल होता है, एक एक पैडल कंट्रोल, ये दूसरा पैडल कंट्रोल। पहला पैडल कंट्रोल से क्या होता है कि स्टार्टिंग होता है, स्पीड कंट्रोल होता है और रीजनरेटिव जो काम होता है पहला से, और दूसरा जो होता है दूसरा से मेरा रियो स्टेट होता है और कंप्रेस्ड एयर ब्रेक होता है। दो दो पैडल की जरूरत पड़ता है, पहला पैडल से क्या होता है स्पीड कंट्रोल होता है, स्टार्टिंग होता है और रीजनरेटिव ब्रेक, जनरली रीजनरेटिव ब्रेकिंग का यूज नहीं होता है, ये बात ध्यान रखना। अगर हो जाए कहीं कहीं तो उसमें पहला पैडल से होगा, और दूसरा पैडल से जो होगा वो मेरा रियो स्टेटिक होगा और कंप्रेस्ड एयर ब्रेक। कंप्रेस्ड एयर का मतलब क्या हुआ कि ऐसे कोई रहेगा इसमें कंप्रेस्ड एयर रहेगा, और इससे क्या करेगा अपना ब्रेक लगा के क्या उसको क्या कर सकता है, ब्रेक कर सकता है। बोले थे कि इसमें क्या प्लेन ब्रेकिंग रियो स्टेट ब्रेकिंग का क्या होता है यूज होता है। अगर हम लाइटनिंग सिस्टम का बात करें, कार मैंने समझिए नहीं कि कार होता है, कार मैंने जहाँ हम लोग बैठते हैं सीट जहाँ पर बैठने वाला है छत के नीचे से कि बस उसमें बैठते हैं उसको हम कार कहते हैं। उसमें जो लाइटनिंग सिस्टम के लिए यूज होता है उसमें लो वोल्टेज डीसी सप्लाई क्या करता है यूज होता है, और इसमें जो होता है मोटर जनरेटर सेट रहता है, मोटर जनरेटर सेट जो होता है क्या रहता है पैरेलल में क्या रहता है मेरे पास कनेक्टेड रहता है। अब जो यहाँ पर ही जो बैटरी यूज करेगा मतलब मोटर जनरेटर सेट जो बैटरी से कनेक्टेड रहेगा, वो बैटरी मेरा सेकेंडरी बैटरी होगा। सेकेंडरी बैटरी क्यों होगा, क्योंकि वो जो मेरा पहिया का मूवमेंट होगा, चक्का के मूवमेंट्स मेरा क्या करेगा, वो एनर्जी क्या करेगा चार्ज करेगा, जैसा कि हम लोग क्या होगा चार्ज होगा, जैसा कि हम लोग बताएं कि इसमें इंसुलेशन रहता है, क्योंकि चक्का है, चक्का तो मेरा क्या है टायर्ड है और ये रोड है, तो दोनों के बीच इंसुलेशन अच्छा रहना चाहिए। इंसुलेशन को क्या करते हैं हम बार बार चेक करते हैं, ये बात भी चेक करेंगे एंड ऑफ द डे किसका मतलब दिन को अंत में, मतलब कि जैसे कि इंसुलेशन रहेगा नहीं तब ना, यहाँ से सपोज कीजिए यहाँ से मेरा दो यहाँ से हम कनेक्ट कर लिए हैं ये बस के लिए ये दोनों, अगर मेरा इंसुलेशन नहीं रहेगा तो फिर कैसे चक्का फिर चल जाएगा, फिर तो दिक्कत हो जाएगा ना, आदमी जिसमें बैठा है उसको भी करंट लग सकता है। इसलिए दिन के अंतिम हम चेक कर लेते हैं, जैसे कि ज़्यादा गर्म हो गया या फिर ज़्यादा ठंडा हो गया इस प्रकार से, या फिर ख़राब हो गया उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं हम उसको चेक करते हैं। अब देखिए ट्रॉली बसेस में होता है, जैसे कि मेरा ऑयल इंजन बसेस है, एक मेरा ट्रॉली बसेस है, ट्रॉली बसेस में मेरा ज़्यादा पैसेंजर बैठेगा ऑयल इंजन के कंपेयर में, ये बात तो समझ रहे हैं। उसके बाद जो इसका जो यूज होता है इनर सब मतलब कि जितना मीडियम ट्रैफिक एरिया है, इनर सब विथ मीडियम ट्रैफिक डेंसिटी एरिया में क्या कहता है इसका यूज होता है ट्रॉली बसेस का। अब जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे डीजल इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन का। थैंक्स।